हेलो जी, क्या हाल चाल सबके। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने करवा लिए थे इंस्टॉल जी i20 के जेन्युइन जो आते हैं इनके सीट कवर्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम जा रहे हैं जी हुंडई के सर्विस स्टेशन में, क्योंकि कल मैंने आते हुए नोटिस किया कि इसके जो यहाँ पे इस साइड में रैटलिंग नॉइस आ रही है खड़खड़ की। तो जो मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड की थी, मैं आपको साइड में लगा दूंगा। कुछ इस तरह से नॉइस आ रही है, देख सकते हो, कुछ इस तरह से रैटलिंग नॉइस आ रही है खड़खड़ की। आप ध्यान से सुनना। तो अभी लेके चलते हैं इसको सर्विस स्टेशन, देखते हैं क्या करते हैं इसका सोल्यूशन और किस चीज की ये नॉइस थी। सो बने रहे इस वीडियो के एंड तक। इसी के साथ, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो वो आप जरूर कमेंट डाउन कर सकते हो, और कैसे वो आपने सॉल्व की थी उसके बारे में कमेंट करें। तो अभी हम सर्विस स्टेशन चलते हैं, देखते हो क्या करते हैं इसके ऊपर। तो अभी हम सर्विस स्टेशन जा रहे हैं, तो रैटलिंग नॉइस ये देखिए फिर से आ रही है। तो जी, अभी हम पहुंच गए हैं हुंडई के सर्विस स्टेशन में यहाँ। तो दोस्तों, अभी ये चेक करवाएंगे डैशबोर्ड में, रैटलिंग नॉइस आने लग गई है, किस चीज़ की आ रही है। तो देखते हैं, अभी कॉल तो की थी इनको, तो कहते थे आ जाओ, टाइम नहीं लगाएंगे, देखते हैं कितनी देर लगती है। तो दोस्तों, अभी टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं, इसके टेक्नीशियन हैं जो हुंडई के, वो इसको लेके जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे, और चेक करेंगे रैटलिंग नॉइस किस चीज़ की आ रही है। तो दोस्तों, एक चीज़ और नोटिस की है कि अभी मैं जैसे को पैसेंजर सीट पे बैठा, तो अभी जो रैटलिंग नॉइस फील हो रही है वो ड्राइवर साइड में फील हो रही है। जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरे को पैसेंजर वाली साइड पे फील हो रही थी डैशबोर्ड में, तो अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में फील हो रही है। तो ये अभी सारी टेस्ट राइड कर रहे हैं, तो चेक करेंगे कहाँ से रैटलिंग नॉइस आ रही है। इस साइड वाला चक्का जब जाना ना, इन कोई रोड के उत्ते फेयर कर दी नॉइस। नहीं, खाली भी है बिल्कुल, 15 दिन का गड्डी लेके जाने में बिल्कुल खाली है। देखो, इधर भी कुछ नहीं पे, खाली वही पे है, डॉक्यूमेंट्स ही पे हैं। चाहिए यार इसी गूगल से, ये सारी थी हमारी कार में उसका पता लग गया, जो इनका ये होता है जी सनग्लास होल्डर, इसमें पड़ी हुई थी हमारी स्पेक्स। तो ये करती थी नॉइस जब भी, मतलब जाती थी अनइवन रोड्स के ऊपर, तो ये खटखट कर रही थी। तो सर ने सॉल्व कर दिया इशू। परमिंदर सिंह जी हमारे साथ टेक्निकल एडवाइज़र हैं, तो इन्होंने जस्ट 5 मिनट में अपना जो इशू था रिसॉल्व कर दिया। तो ये नॉइस आ रही थी क्योंकि मैंने इसमें लगी थी स्पेक्स, तो इसका ध्यान ही नहीं था, तो ये नॉइस कर रही थी। फील ऐसे होता था जब हम ड्राइवर साइड चला रहे थे तो ऑपोजिट साइड फील होता था, जब को पैसेंजर साइड होते थे तो हमें फील होता कि ड्राइवर साइड नॉइस आ रही है। तो दोस्तों, अभी एक और टेस्ट राइड हमने ले ली है लंबी सी, और इवन अन इवन रोड्स पे भी चला के देख लिया, तो अभी कोई नॉइस वगैरह नहीं। तो ये नॉइस थी कि यहाँ पे सन ग्लासेस किसी ने रख दिए थे, तो ध्यान में नहीं था, तो वही नॉइस कर रहे थे। अगर आप भी ऐसी कोई रैटलिंग नॉइस फील कर रहे हो कि चलाते हुए आपको ऑपोजिट साइड डैशबोर्ड में नॉइस आ रही है, और को पैसेंजर वाली सीट पर बैठते तो ड्राइवर साइड नॉइस आ रही है, तो एक बार
आप सनग्लासेस वाला ये होल्डर चेक कर लें, कहीं उसमें सनग्लासेस या आपके आई ग्लासेस तो नहीं बैठे, क्योंकि वो ही नॉइस करते हैं। तो इससे पहले इसको सेल्स वालों ने भी चला के देख लिया, इसके मैकेनिक्स ने भी चला के देख लिया, बट उनको पता नहीं लगा था रैटलिंग नॉइस किस चीज़ की है। तो ये इनके टेक्निकल एडवाइज़र है जिन्होंने 5 मिनट में ही पकड़ लिया कि किस चीज़ की नॉइस आ रही है। इधर ही लगा दो एक मिनट, शोरूम से भी काम से। तो दोस्तों अपना जो इशू था जी वो रिसोल्व हो गया। एक्चुअल में इशू नहीं था, और कह सकते हो कि सनग्लासेस रखे थे वो इनवाइस कर रहे थे, तो एक पता भी चल गई बात कि अगर वहाँ पे सनग्लासेस वगैरह पड़े हो तो कई बार ध्यान में नहीं रखता और हमें लगता है कि रैटलिंग वैसे नहीं लगी। तो एक बार वो अपना केस जरूर चेक कर लें कहीं वहाँ पे सनग्लासेस या आई ग्लासेस वगैरह तो नहीं पड़े। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको शेयर कर दें। नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।